गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, बैंडविड्थ ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ, मेरा जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो टू पार्ट्स पे क्लासिफाइड हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग उसका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखेंगे, ओके। सो द बैंडविड्थ ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी डेविएशन। तो मेरा जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली फ्रिक्वेंसी डेविएशन पे, ओके, जो मेरा डेल होता है, ठीक है। ये मेरा क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। इस पे मेरा टोटली जो है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी डेविएशन डेल इज़ हाई, अगर हाई होगा तो बैंडविड्थ भी मेरा लार्ज होगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन लो होगा तो बैंडविड्थ मेरा क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। सो इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज गिवन बाय फ्रॉम द इक्वेशन। ये जब हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे थे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, तो वहाँ पे हमको ये इक्वेशन मिला था, डेल इज इक्वल्स टू के ई एम एफ सी। के क्या है मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, ई एम क्या है मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड, एंड एफ सी क्या है कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो देखिए, वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिपेंड्स अपॉन, देखिए अब ये फ्रीक्वेंसी मेरा चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, अगर हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, ये मेरा किस पर डिपेंड करना है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है उस पर मेरा टोटली जो डेल है वो मेरा डिपेंड कर रहा है। सो एफ एम मे बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी पे डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन क्या है, नैरो बैंड एफ एम, इसको एन बी एफ एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर के मेरा स्मॉल होगा, इफ़ के इज़ स्मॉल एंड हैज द बैंडविड्थ ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज़ नैरो, अगर के मेरा स्मॉल होगा तो एफ एम का बैंडविड्थ जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, मेरा नैरो हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। अगर के का वैल्यू अगर लार्ज होगा तो बैंडविड्थ भी मेरा लार्ज होगा, तो लार्ज को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अगर मेरा के लार्ज होगा, ठीक है, तो मेरा बैंडविड्थ क्या होगा, वो भी मेरा लार्ज होगा। तो इस तरह के बैंडविड्थ वाले हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को क्या बोलेंगे, वाइड बैंड, ठीक है, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, डब्ल्यू बी एफ एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन है दोनों का, एफ एम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टू पार्ट्स पे क्लासिफाइड हुआ है, नैरो बैंड एंड वाइड बैंड एफ एम, ठीक है। इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, स्मॉल होता है, नैरो बैंड का स्मॉल, ठीक है, और वाइड बैंड का मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेरा लार्ज होता है, ठीक है। नैरो बैंड मीन्स इसका जो बैंडविड्थ होगा, यानी कि हम उसके से एक या दो सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स होंगे इसमें, और इस पर मेरा बहुत सारे साइड बैंड्स होंगे, बस उसी को हम लोग वाइड बैंड बोल रहे हैं, ठीक है, और इसको नैरो बैंड बोल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए कंपैरिजन टेबल है, यहाँ पे पैरामीटर्स गिवन है, यहाँ पे नैरो बैंड एफ एम एंड यहाँ पे वाइड बैंड एफ एम है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, तो फर्स्ट डिफरेंस हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग करेंगे, तो इसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, वो लेस देन वन होता है और स्लाइटली ग्रेटर देन वन, यानी कि 1.2 इतना तक जाएगा इसका, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। लेकिन वाइड बैंड का जो इंडेक्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो हमेशा ग्रेटर देन वन होता है। सेकेंड देखते हैं मैक्सिमम डेविएशन, इसका मैक्सिमम डेविएशन कितने फ्रीक्वेंसी रेंज तक होगा, अबाउट 5 kHz, और वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी का कितना होगा मैक्सिमम डेविएशन, 75 kHz, ठीक है। थर्ड देखते हैं रेंज ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफएम का रेंज क्या होगा, 20 Hz से 3 kHz, ठीक है, एंड वाइड बैंड का कितना होगा, 20 Hz टू 15 kHz तक, ठीक है। सो देख रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना कितना डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसमें मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन वन, और इसका कितना होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, 5 to 2500, ठीक है, 5 to 2500। नैरो बैंड का कितना होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन वन, ठीक है। बैंडविड्थ कितना होगा इसका,
ठीक है। फिफ्थ पैरामीटर क्या है, बैंडविड्थ, तो स्मॉल अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ एएम, ठीक है। यहाँ पे आप यही देखिए ना, इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बता रहा है कि लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन वन, तो बिल्कुल इसका जो होगा दो साइड बैंड्स होंगे, इससे ज़्यादा इसके साइड बैंड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका जो बैंडविड्थ होता है ना, उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेम होता है एएम मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेम होता है, तो 2 FM हो जाएगा बस इसका बैंडविड्थ, ठीक है। इसका बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, 2 FM। और जो मेरा वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी का बैंडविड्थ कितना होता है, लार्ज अबाउट 15 times ग्रेटर देन दैट ऑफ, ठीक है, नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मीन्स इसके अकॉर्डिंग ये 15 times ग्रेटर देन होता है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 2 del से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लास्ट वन देखते हैं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, FM मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, लाइक पुलिस वायरलेस, एम्बुलेंस, शॉर्ट रेंज शिप्स टू शोर कम्युनिकेशन, इतने जगह मेरा यूज़ होता है नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एंड वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो इंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होता है, कैन बी यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी म्यूजिक ट्रांसमिशन, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है, हाई क्वालिटी म्यूजिक ट्रांसमिशंस में मेरा वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ होता है। तो ये था इन दोनों के बीच डिफरेंस, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।